नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है शिकारी का वादा। एक समय की बात है, एक बहादुर शिकारी हुआ करता था जिसका नाम था सीरा। उसे जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत पसंद था। उसे अपनी तीरंदाजी पर भी बहुत घमंड था और वह एक छोटे से बहुत सुंदर से घर में रहा करता था। एक दिन की बात है कि हमेशा की तरह सीरा जंगल में शिकार करने के लिए गया। वह पेड़ों के पीछे छिप गया और अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। तभी उसे पास में पत्तियों की चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी कमान पर तीर चढ़ाया और एक के बाद एक तीन चार तीर चला दिए, लेकिन तीर अपने निशाने से चूक गए और छुपा हुआ जानवर भाग निकला। सीरा पूरे दिन इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार न मिला। आसमान में बादल घिरे हुए थे और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हो गई, लेकिन सीरा घर खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। वह बरसते हुए पानी में ही जंगल में और आगे बढ़ता गया। तभी उसे पेड़ के बीच एक सुंदर झील दिखाई पड़ी। जैसे ही वह उसके नज़दीक पहुंचा, उसने एक दर्दनाक आवाज़ सुनी जैसे कोई भारी दर्द से कर्रा रहा हो। झील पर पहुँचते ही उसकी नज़र एक खूबसूरत सार्स पक्षी पर पड़ी। झील के किनारे उसकी टांगे कांटों में उलझी हुई थी। एक पल के लिए तो वह खुशी से उछल पड़ा कि आखिरकार उसे अपना शिकार मिल ही गया। उसने सोचा कि सारस को मारकर वह उसे घर ले जाएगा, लेकिन उस खूबसूरत पक्षी की तकलीफ देखकर उसका दिल पिघल गया। वह इतना पत्थर दिल भी नहीं था कि दर्द से कहराते हुए जानवर को मारता। उसे तो बचाने की ज़रूरत थी, इसलिए वह पक्षी के नज़दीक गया और उससे कहा, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हारे पैरों से कांटे निकाल दूंगा। सार्स ने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा और कहा, मैं इस मदद के लिए तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। मेरे माता पिता बूढ़े हैं और भोजन लाने के लिए वे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए और कोई भी नहीं है। यदि मैं नहीं लौटता हूँ तो वह मेरे इंतज़ार करते करते मर जाएंगे। सीरा ने सार्स के पैरों से कांटे निकाल दिए और इस तरह सार्स अपने घर के लिए उड़ गया। हालांकि सीरा एक शिकारी था, लेकिन उसने सार्स को मारने की बजाय उसकी रक्षा की और वह खाली हाथ घर लौट आया। लेकिन आज वह बहुत खुश था। इस घटना ने सीरा को बदल कर रख दिया। अब उसे शिकार में दिलचस्पी नहीं रही, बल्कि वह दूसरे शिकारियों के जाल से जानवरों और पक्षियों को बचाने में लग गया। उसने अपने घर के आसपास जानवरों और पक्षियों के लिए दाना पानी रखना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि जानवर आज़ादी से आएंगे और जाएंगे। एक दिन की बात है कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा एक सुंदर लड़की बाहर खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं काम में तुम्हारा हाथ बटाऊँगी, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूँगी। उस सुंदर लड़की को देख कर सीरा बहुत खुश हुआ। लड़की को भेजने के लिए उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसे अब जंगल में अकेले रहते हुए बोरियत होने लगी थी, इसलिए उसने तपाक से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल यहाँ रह सकती हो। लड़की ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे में कभी नहीं घुसोगे। सीरा ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आऊँगा। सीरा और वह लड़की खुशी खुशी साथ रहने लगे। हर सुबह वह लड़की सफ़ेद पंखों से बना हुआ एक साल सीरा को भेंट करती। सीरा उसे ले जाकर बाजार जाता और अच्छी कीमत पर बेच आता। जैसे जैसे दिन गुजरे, सीरा को उत्सुकता होने लगी कि आखिर वह लड़की अपनी इजाज़त के बिना उसे अपने कमरे में क्यों नहीं आने देती। इसलिए एक दिन जब लड़की अपने कमरे में गई, सीरा ने यह देखने के लिए धीरे से दरवाज़ा खोला कि आखिर वह क्या कर रही है। और उसने क्या देखा, कमरे में वही सार्स खड़ा था जिसे सीरा ने झील के किनारे बचाया था। सार्स धीरे धीरे अपने पंखों को निकाल रहा था और उससे साल बना रहा था। जब सार्स ने सीरा की ओर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सार्स ने कहा, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह साल लो, यह तुम्हारे लिए मेरी तरफ से आखिरी भेंट है। यह कहकर सार्स जंगल में दूर उड़ गया और फिर सीरा ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा।
तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का विश्वास बनाए रखना चाहिए और कभी भी विश्वास के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।